हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। मास्टर गेम जो है वो अभी 3D चल रहा है, ठीक है। और आप मास्टर गेम 3D प्रोग्रामिंग में जो है वो मॉड्यूल 1 जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब मॉड्यूल 2 के अंतर्गत हमारा क्या है कि जैसे अगर आपके पास कोई भी 3D मॉडल होता है, ठीक है, आप उसको इम्पोर्ट करते हो। इम्पोर्ट करने के बाद उसमें कुछ आप मान लो लाइन या फिर कर्व या फिर कोई पॉइंट, मतलब जो बेसिक कैड फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 3D मॉडलिंग के बाद जो है आपको सीधा मिलता है मशीनिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मशीनिंग में वो सब सारी चीज़ें जो है, जो एक्टिविटी होती है किसी भी 3D मॉडल को मशीनिंग करने से पहले टूल पाथ जनरेट करने के लिए जो भी हम एंटिटी, मतलब समझ लो जैसे वो लाइन्स हो गए, सर्कल्स हो गए, आर्क्स हो गए या फिर कर्व्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें जो जनरेट करते हैं ना, वो सब हमारा बेसिक कैड में आता है, ठीक है। इसको मैंने एक मॉड्यूल के अंतर्गत डाल दिया है। मॉड्यूल 2 जो है हमारा वो कैड बेसिक इन मास्टर कैड, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है वो हमारा किसी भी मॉडल को, यानी 2D या 3D मॉडल हो, ठीक है, उसको इम्पोर्ट कैसे करते हैं मास्टर कैड में अपने मशीनिंग सेटअप के लिए, ठीक है। अब चाहे वो 2D फाइल हो, 2D में चाहे DWG हो या फिर DXF हो, या फिर 3D में आए तो STEP, IGS, Parasolid, XT कोई भी फाइल हो, या फिर कोई भी मास्टर कैम की फाइल हो, या फिर कोई भी सॉलिड वर्क की, NX की, या फिर इन्वेंटर की, कोई भी टाइप का जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उन सबको इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो मास्टर कैम बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो सीधा, या फिर आप अपना जो है वो कस्टमाइज किया हुआ जो है वो प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आप खोल सकते हो, वहाँ से जो है वो आप आसानी से अपने फाइल को पिक कर सकते हो और आराम से मशीनिंग के लिए सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, समझ लेते हैं इसमें आसानी से और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अभी जो है एक्चुअली हम PC पर हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो है वो कैड बेसिक इन मास्टर कैम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वो हमारा आज का सेशन जो है वो है किसी भी 2D 3D मॉडल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा मशीनिंग का पहला कदम है, जहाँ पे हम किसी भी फाइल को इनिशिएट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी, चाहे 2D यानी आपके पास AutoCAD की फाइल हो, चाहे DXF हो या फिर DWG हो, कोई भी CAD मॉडल है, ठीक है, या फिर आपको मैं बोल सकता हूँ आपके पास IGS है, STEP है, या फिर XT है, या फिर NX की कोई फाइल है, या फिर MasterCAD की कोई लोअर वर्जन की है, ठीक है, या फिर SolidWorks की है, SolidEdge की है। तो मास्टर कैम में उन सारे फाइलों को डायरेक्टली आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, ये सेशन पूरा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसी पे है ये सेशन। तो एक काम करते हैं, सीधा मास्टर कैम में आते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, ये आप देख रहे हो ये मास्टर कैम की सारी फाइल्स है, तो ये तो ओपन करना हो गया, ठीक है। आपको इम्पोर्ट कैसे करना है, यहाँ से जाके ओपन कर सकते हो। ओपन कंप्यूटर सेट करो, आपका फाइल डिजाइन करो, कहाँ पे है फाइल डिजाइन करने का मतलब मेरा ये है कि आप जो है वो आपका जो लोकेशन है वो आपको शो करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ से मैं 3D मॉडल में जाता हूँ और यहाँ से कौन सा फोल्डर है, कहाँ पे हैं अभी हम, डी में है, 3D मॉडल में CNC पार्ट स्नैपशॉट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, डी में है 3D मॉडल स्नैपशॉट 1, कहाँ गया हमारा 3D मॉडल, स्नैपशॉट 3 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल कर देना है, ठीक। जैसे आप ऑल करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको सेलेक्ट यहाँ से आप है। देखो ये फाइल को अगर आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है तो ये एक्चुअली जो है वो सॉलिड वर्क की फाइल है, ठीक है।
सॉलिडवर्क की फाइल है, ये यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और देखो XT जो है और पैरासॉलिड जितनी भी फाइल्स है और जो भी सपोर्टेड फाइल है वो सब सारे ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप ये सब देख रहे हो, आप सीमेंस की ये सब 3D मैन्युफैक्चरिंग की 2D PDF फाइल भी सपोर्ट करता है, यहाँ से IGS है, तो ये सब सारी फाइल जो है वो आप ओपन कर सकते हो। STF फाइल है, ठीक है, प्रोई का है, पैरासॉलिड में XT, XV, XTM, टेक्स्ट, ये सब सारी चीज़ें रिहानो का है, तो ये सब सारी चीज़ें डायरेक्टली सपोर्ट करती है मास्टर कैम में। NX की है, यूनिग्राफिक्स NX की, तो पार्ट फाइल हो, तो ये सब डायरेक्टली इतने टाइप की फाइल आप जो देख रहे हो मास्टर कैम में, एजुकेशनल फाइल हो या फिर मास्टर कैम की ऑल टाइप फाइल हो, चाहे वो मास्टर कैम 5 से लेकर कुछ भी हो X9 तक, वो सब सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ से आपको न्यू फाइल करता हूँ मैं, इसको डॉन्ट सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई भी मॉडल है, ठीक है, यहाँ से एक मॉडल कोई भी ओपन कर लेते हैं, 3D मॉडल में इसमें क्या है, इसको नहीं खोलते, इसकी वजह से बंद हुआ था साला, अभी बाद में इसको खोल के चेक करेंगे। देखो ये जो है वो NX की फाइल है, ठीक है, तो इसको सीधा ड्रैग करो यहाँ पे, मास्टर कैम बुलाओ और यहाँ पे छोड़ दो। छोड़ने के बाद ये क्या होगा, सिंपली जो है वो आपको फाइल जो है वो शो कर देगा, ये आप देख रहे हो। या फिर आपके पास कोई भी फाइल है दूसरी, मैं और दूसरा मॉडल खोलता हूँ, ठीक है, मोल्डिंग स्नैप की, ये है मोल्ड पार्ट है, ये भी NX की फाइल है, NX की नहीं खोलते हैं, दूसरी कोई फाइल खोलते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्लास्टिक स्नैपशॉट डिटेल्स में जाते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं डिटेल्स। ये देखो ये सॉलिड वर्क की एक फाइल जो है कोई भी खोल के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे प्लस कर देंगे, नहीं खुलेगा, एरर आ रहा है, नो मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से दूसरा फाइल जो है वो सॉलिड वर्क की, यहाँ से ट्राई करते हैं, ये भी नहीं खुल रहा है, लेटेस्ट वर्जन का कुछ इशू आ रहा है, या फिर दूसरी कोई भी फाइल जो है वो हम यहाँ से लेते हैं प्लास्टिक रैक के अंतर्गत। ये जो है वो हमारी कौन सी फाइल है, इसको डिटेल्स में कर लेते हैं, ये भी सॉलिड फाइल है, ठीक है, सॉलिड वर्क की, चलो इसको खोल के देख लेते हैं। सॉलिड वर्क पूरा सपोर्ट करता है, कोई भी फाइल होती है खुलेगा, कोई भी वर्जन का इशू होगा या फिर और कुछ टेक्निकल इशू हो गए तो नहीं खुलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से सिंपल खुल गया, अब चाहे तो आप इसमें से बदल सकते हो क्या है मटेरियल, देख सकते हो, देखो, ठीक है, मोल्ड का है या प्लास्टिक मोल्ड का, तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी मॉडल को जो है मास्टर गेम के अंतर्गत इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे वो कोई भी टाइप का फाइल हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, एक फाइल और दिखा देता हूँ आपको, मास्टर कैम 3D मॉडल, नहीं इसमें नहीं है, रेडी मॉडल, ठीक है, रेडी मॉडल के अंतर्गत BMC 3D, इसको देखो ये STF फाइल है, ठीक है, इसको सीधा इस पर क्लिक किया, इसको ऐसे लाके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे प्रेस कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है, और देखो ये खुल गया। दूसरा चाहिए हमको, ये भी STF फाइल है, यहाँ से क्लिक किया, सीधा लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो फाइल खुल गई। इसको सीधा आइसोमेट्रिक करते हैं या फिर हम कीबोर्ड से करेंगे Ctrl F7, Alt F7, ठीक है, तो आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको व्यू देखना है ना यहाँ से, आइसोमेट्रिक कहाँ गया, Alt F7, यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए अब ये सेशन जो है वो यहाँ तक ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और कोई भी मॉडल जो है एक दो खोल लेते हैं, ये आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये अभी मान लो मेरे पास एक मॉडल है,
इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप किसी भी मॉडल को खोल सकते हो, जो भी सपोर्टिव मॉडल रहेगा जहाँ तक मास्टर गेम सपोर्ट करता है वो सब फाइल्स जो है वो आपको ये शो कर देगा, ठीक है। और अगर आपको देखना है मास्टर गेम में क्या क्या सपोर्ट करता है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से। हाई स्पीड नहीं, यहाँ पे एक होगा सरफेस फिनिश का है, बाद में मैं आपको ऐसे मिलता है जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे सारे फाइल्स जो है वो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं कि कितनी टाइप की फाइल्स जो है वो मास्टर गेम सपोर्ट करता है, ठीक है। या फिर अगर आप ओपन करते हो यहाँ से तो किस टाइप की फाइल जो है वो मास्टर गेम की है, ये सब की है, इतने टाइप की फाइल जो है वो सपोर्ट करता है, IGS से लेकर ऑटोकैड प्रो ई पैरासॉलिड स्टेप रिहानो सॉलिड वर्क, ठीक है। तो ये 3D मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेट फाइल, इतने सारे टाइप की फाइल जो है वो मास्टर गेम सपोर्ट करता है और आप आराम से जो है वो खोल सकते हो और अपने काम को शुरू करते हो, ठीक है। तो देखने के लिए और आपका कीमती समय देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, और हम समझने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में जो है वो हमारा वर्किंग विद कैड एंड टी, ठीक है, जिसके अंदर हम अंतर्गत जो है वो किसी भी जो हमारा सॉलिड मॉडल होगा उसमें अगर हमको पॉइंट जनरेट करना हो, लाइन या फिर आर्क या स्प्लाइन हो, इन सारी चीज़ों का अगर हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो उसको जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सेशन, दो सेशन इसमें और हो गए, तीन सेशन, क्योंकि एक जो है वर्किंग विद कैड एंटिटी और थर्ड जो है वो कैड एडिटिंग टूल्स, जिसमें हम ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, ऑफसेट प्रोजेक्ट करना, वो सब सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड फोर्थ जो है वो क्रिएटिंग 2D एंड 3D ज्योमेट्री जो है वो करना सीखेंगे कि कोई भी अगर आपके पास 3D मॉडल है तो उससे डायरेक्टली जो है वो 2D ज्योमेट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं और 3D ज्योमेट्री जो है वो कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।